जिस पार्टी के लीडर का बेस ही उसकी सोच ही यही है, उसकी पॉलिसी ही यही है कि अनैतिक कार्य करके गांधी के सिद्धांतों के विरुद्ध हम नीति बना कर करके हम 150 सीट लाएंगे, तो इस बिहार का नागरिक क्या इसे बर्दाश्त करेगा। दूसरी बात है, मैं चुनौती हमेशा हम लोग इस चीज़ को कह रहे हैं, कुछ नहीं करिए, आप जाके JD वीमेंस कॉलेज मगध महिला कॉलेज जा करके केवल घोषणा कर दीजिए, बिहार की बेटियाँ अब बिहार की महिलाएँ समझा देंगी कि शराबबंदी को मानिएगा या शराबबंदी को ख़त्म करिएगा। लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड हैं इकोनॉमिकल ऑफेंस को, तो वो कहीं भी जाएंगे तो वो आर्थिक अपराधी कहीं ही जाएंगे ना, तो कैसे संत हो जाएंगे। तो अब देखिए ये सब कह करके इन लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कुछ भी नहीं। जो गलत है वो गलत है, जिसने ऑफेंस किया है वो किया है, जिसने अपराध किया है वो किया है, हमारी पुलिसिंग हमारी जुडिशरी उसको देखती है। थोड़ी सी बाढ़ विभीषिका की ही बात ले लूँ तो आप लोग को भी याद होगा, शायद आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, कि यही लालू प्रसाद यादव जी मजाक उड़ाया करते, जहां हमारे नेता गंभीर हैं वो मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि दिक्कत कौन चीज़ के बाटे, गंगा मैया आइल बरी, मछली लेके आइल बरी, मारा लोग और खा लोग, तो इस तरह का मजाक हुआ। तो तेजस्वी रोहिणी और मीसा भारती जी ये सब दौर के को देखे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पार्टी का गठन करने के बाद लगातार दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे और उससे जो पैसा आएगा शराब से उसको शिक्षा में खर्च करेंगे, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दुकानें बंद कर देंगे। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ JDU से प्रवक्ता है अंजू महाराज, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं कि 150 सीटें लाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए उनके दावों का जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी की उन्होंने घोषणा की 2 अक्टूबर को, और सबसे बड़ी चीज़ है घोर आपत्ति हर भारत के नागरिक को होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके वो अपने मंच पे, अपने बैनर पे, अपने झंडों में जिस तरह की उन्होंने घोषणा की शराबबंदी को ख़त्म करने की, ये घोर आपत्तिजनक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा को किस तरह से उन्होंने चोट पहुंचाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था यंग इंडिया में 15 सितंबर 2029 को कि मैं पढ़ के सुना देती हूँ, मैं भारत का कंगाल हो जाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे लाखों हजारों लोग शराबी हो। अगर भारत में शराबबंदी लागू करने के लिए लोगों को शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह भारी कीमत चुका कर भी शराबखोरी को बंद करूँगा। यंग इंडिया 15 सितंबर 1927। अब गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कही और ठीक उनके विपरीत फोटो लगा रहे हैं, उनका नाम लेते हैं और ठीक इसके विपरीत उनका वो बयान, आप कह रहे हैं कि हम शराब को खोलेंगे, शराब चलवाएंगे, आप बाप को दारू पिलवाएंगे, जिस घर में बोतलें खोलेंगे वहाँ पे बताइए हिंसा होगा, फिजिकल असॉल्ट होगा, मेंटल टॉर्चर होगा, फिजिकली महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा, क्या उस घर का बच्चा मेंटली रूप से इतना साउंड रहेगा कि वो पढ़ सके? तो ये सारी बातें जो ना उनका एक मतलब इतना अनैतिक बातें उन्होंने वहाँ से कहा है जिसको कोई भी भारत का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। अब दावे करने की बात है तो आप सोच लीजिए कि जिस पार्टी का या जिस पार्टी के लीडर का बेस ही उसकी सोच ही यही है, उसकी पॉलिसी ही यही है कि अनैतिक कार्य करके गांधी के सिद्धांतों के विरुद्ध हम नीति बना कर करके हम 150 सीट लाएंगे, तो इस बिहार का नागरिक क्या इसे बर्दाश्त करेगा। दूसरी बात है, मैं चुनौती हमेशा हम लोग इस चीज़ को कह रहे हैं, कुछ नहीं करिए, आप जाके JD वीमेंस कॉलेज मगध महिला कॉलेज जा करके केवल घोषणा कर दीजिए, बिहार की बेटियाँ अब बिहार की महिलाएँ समझा देंगी कि शराबबंदी को मानिएगा या शराबबंदी को ख़त्म करिएगा। JDU कार्यकारिणी की एक बैठक कल है, क्या कुछ होने वाला है बैठक? देखिए हम लोगों का जो पार्टी का संगठन बना था तो वो बिल्कुल ये पहली बैठक है, राज्य कार्यकारिणी का भी गठन हुआ था तो राज्य कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है, तो किसी भी पार्टी का जब संगठन का बैठक होता है तो उसमें संगठन की मजबूती को लेकर के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और हमारी पार्टी ने तो ये तय किया है कि हम पंचायत स्तर पर बूथ स्तर पर अपनी कमेटी को बनाएंगे, सशक्त कमेटी बनाएंगे, और उस दिशा में डायरेक्शन भी, इसके पहले बैठक आज से 10-12 दिन पहले हुई थी विधानसभा प्रभारियों की, तो स्पष्ट डायरेक्शन
हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं। और कल तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है, संभवतः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी संभवतः रहेंगे। तो और आने वाले समय में चुनाव भी है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बढ़ाया जाएगा, डायरेक्शन भी दिया जाएगा कि किस तरह से हम अपने संगठन को मजबूत करें, मैक्सिमम लोगों तक हम अप्रोच को बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें संगठन में भी बदलाव होगा पदों को लेकर के कोई? देखिए तो स्वाभाविक है ना, जब नया कमेटी का गठन होता है कि तो कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग को दायित्व तो दूसरी जगह दी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकते? नहीं 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 नहीं, ये बदलाव की बात नहीं मैं कह रही हूँ, संगठन का गठन हो गया है तो अब कहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जी की ही वो कमेटी है, तो जो कमेटी नवगठित हुई है तो उसमें किसी को दायित्व यहाँ मिलता है, किसी को दायित्व बदला हुआ रहता, तो ये माइनर बदलाव तो हर पार्टियों में होती है और होता है, दायित्व मतलब अकॉर्डिंग टू व्यक्तित्व और अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी और अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी ऑफ द संगठन दायित्व दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सिपाहियों को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, जिसमें सुनील कुमार जो वाल्मीकि हाँ। नगर से सांसद हैं हाँ। उनके बारे में बोल रहे हैं कि जब अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, बार बार ये सांसद महोदय फोन कर रहे हैं, किसी की सुना नहीं जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं उनसे आप लोग कि आप जो है बिहार इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और हमारी सरकार, हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार 24 घंटे जिले के कलेक्टर और जिले के एसपी के संपर्क में है, एरियल सर्वे कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन चल रहा है, मतलब जो राहत की चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग दिया जा रहा है, जितने स्टेप्स लिए जाते हैं वो तमाम स्टेप्स लिए जाते हैं। क्या देश के संविधान में लीडर ऑपोजिशन का सिर्फ मात्र इतना दायित्व है कि वो विदेश में बैठे हुए हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि पता किया जाए वो है क्या, बिहार में तो है नहीं, पता किया जाए वो कहाँ है, आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली कि दुबई में है, सिर्फ यही दायित्व है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो एक पोस्ट पे सोशल मीडिया पर लिख कर करके वो चले जाए। अरे जब आप बिहार में है ही नहीं तो आपको क्या पता कि नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता की, आपको क्या पता कि बाढ़ से जो विभीषिका झेल रहे हैं, हमारी आवाम झेल रही है, बाढ़ पीड़ित लोग जो झेल रहे हैं उनके प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है और कितने स्ट्रांग स्टेप्स ले रहे हैं ताकि उनको राहत मिल सके, उनको कुछ भी पता नहीं है। नेता कह रहे हैं कि रोहिणी चारिया मीसा भारती ये लोग दौरा कर रही है क्षेत्र का, जा रही है, मदद कर रही है। देखिए रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, ये सब लोग जो है ना राजनीतिक आरक्षण के इन लोग प्रोडक्ट है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तो हिमायती लोग हैं, और देखिए पूरा परिवार उस आरक्षण के तहत है। जिन रोहिणी आचार्य को पैरासूट से सिंगापुर से सीधे वो लैंड की थी सोन छपरा में, दुगने स्पीड से वहाँ की जनता ने उनको वापस कर दिया है। देखिए एक्चुअल में है क्या, चाहे वो मीसा भारती हो, तेजस्वी हो, रोहिणी आचार्य, कोई भी हो, इन लोगों ने अपने माता पिता के कार्यकाल को देखा हुआ है। अगर मैं थोड़ी सी बाढ़ विभीषिका की ही बात ले लूं, तो आप लोग को भी याद होगा, शायद आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, कि यही लालू प्रसाद यादव जी मजाक उड़ाया करते, जहां हमारे नेता गंभीर हैं वो मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि दिक्कत कौन चीज़ के बाटे, गंगा मैया आइल बरी, मछली लेके आइल बरी, मारा लोग और खा लोग, तो इस तरह का मजाक हुआ। तो तेजस्वी, रोहिणी और मीसा भारती जी ये सब दौर के को देखे हुए हैं और उन्हीं सारे विचारों को लेकर के उन लोगों ने अंगीकार किया हुआ है, तो उन लोगों को पता ही नहीं कि नीतीश कुमार जी की सरकार कितनी गंभीर और कितनी संवेदनशील है बाढ़ जैसे मामलों को लेकर के। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरजेडी के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में आरजेडी के ही पूर्व विधायक है मुन्ना शुक्ला, उनको उम्र कैद की सजा हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए सीधी सी चीज़ है, ये कम्प्लीटली जो है सजा होना, बरी होना, ये कम्प्लीटली जुडिशियल मैटर होता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको इस सजा को किया है, तो निश्चित रूप से जो फैक्ट्स रहे होंगे, फैक्ट्स एविडेंसेस, तो कोई भी जुडिशियल जो होता है, जुडिशियरी होती है, तो वो तो साक्ष्यों के आधार पे ही बरी करती है या कमिटेड करती है, तो निश्चित रूप से रहे होंगे तभी ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं वो अपराधी होते हैं, जो NDA में जाते हैं, JDU में जाते हैं तो वो संत हो जाते हैं, कानून में बदलाव होकर के भी उनको बाहर कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं आनंद मोहन को लेकर, अनंत सिंह को लेकर के सवाल। अब लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड हैं इकोनॉमिकल ऑफेंस को, तो वो कहीं भी जाएंगे तो वो आर्थिक अपराधी कहीं ही जाएंगे ना, तो कैसे संत हो जाएंगे? तो अब देखिए ये सब कह करके इन लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कुछ भी नहीं, जो गलत है वो गलत है, जिसने ऑफेंस किया है वो किया है, जिसने अपराध किया है वो किया है, हमारी पुलिसिंग, हमारी जुडिशरी उसको देखती है और उसको प्रमाणित करने का भी काम जुडिशरी का, मेरा और आपका नहीं है। तो इस पर जो भी वो इन लोग बोलते हैं वो विक्टिम कार्ड ऐसा कह करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अरे भाई आपके ऊपर FIR है, आप जुडिशरी का ट्रायल फेस कर रहे हो, आपको अगर
एविडेंसेस है, कमिटमेंट होगा, नहीं है आप बरी होइएगा, सिंपल सी बात है, इसमें विक्टिम कार्ड क्या खेलना है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जीडी प्रवक्ता अनु महाराज ने साफ साफ कहा कि जो अपराधी हैं वो अपराधी ही होते हैं, वो कहीं भी चले जाए। साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से बाढ़ को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कर रहे हैं इसको लेकर के इन्होंने कही, और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं इनके बारे में इन्होंने कही है कि तेजस्वी यादव जो है वो विदेश दौरे पर हैं और बिहार की क्या स्थिति है ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो लगातार सबके बीच जा रहे हैं और सबको देख रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई मसले को लेकर हमने बातचीत की, क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत